केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इट्स सिविल अपील 5783 ऑफ 2022। जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड ऑन 23rd of August 2022। यहाँ पे बेंच जो है उनका नाम दे रखा है। तो अब कैसे नोट्स बनाएंगे हम? सबसे पहले केस टाइटल, ठीक है, एक एक है ना रजिस्टर नोटबुक मोटा ले लो, ठीक है। अब मैं आपका जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उनका समरीज डालना चालू कर रहा हूँ, ओके। तो वो मैं साइट पे डालूंगा ब्लॉग्स के फॉर्म में, तो उसमें आपको नोट्स बनाना है। आपको मिलेगा प्रिपेयर्ड नोट्स, बट ये नोट्स आपको मिलना है वो उस नोट से रिविजन करना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं, क्योंकि अगर खुद से ऐसे जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है। एक केस में 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हम तो नोट्स बना के दे रहे हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो डायरेक्ट, बट द थिंग इज खुद से बनाओगे तो रिविजन होगा अच्छे से। बाकी इट्स अपॉन यू कि आप मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना। मैंने ऐसे ही किया था अपने टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपति डीलकॉम, ठीक है, ये हमने नाम लिख लिया केस का, ओके। उसके बाद हमने क्या लिख लिया कि क्या थे, सिविल अपील थी, वो लिख लिया 5783 ऑफ 2022। फिर हमने डेट लिख लिया, कभी कभार डेट ही पूछ लेते हैं, 23rd of August 2022 में ये प्रोनाउंस हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोरम जो है वो लिख लेंगे नाम। सबसे पहले कोरम में है देन सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, ठीक है, एस 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 सो ऑन सो फोर्थ। और ये बेंच क्या हो गई बताओ, महिमा रिशांग क्या कहेंगे इस बेंच को? तो सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड हिमा कोहली, हम नहीं इस बेंच को बोलेंगे क्या, तीन लोगों की बेंच को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, रिशांग आई एम सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है वो मिनिमम 5 जजेस की होती है। दिस इज डिवीजन बेंच ऑफ 3 जजेस, ओके। एक बार यस मैं ये ओके सर, भी बता दूंगा आपको, एक सिंगल जज बेंच हो गया, ठीक है। फिर डिवीजन बेंच दो या तीन जब होती है तो डिवीजन बेंच, उसमें 2 जज बेंच 3 जज बेंच, ठीक है। उसके बाद 5 जज बेंच से हमारा जो है चालू हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ओके। ओके सर, इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए ना? नो सर, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो द इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमएस गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड इज दैट देयर इज नो लॉन्गर अ ब्लैंकेट प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस। सो मेन रेशियो क्या निकल के आया, देयर इज नो लॉन्गर अ ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आगे और पढ़ लेते हैं, द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द प्रोविजंस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 which imposed a blanket ban on Benami transactions as unconstitutional for being unduly harsh, disproportionate and manifestly arbitrary. Okay? तो अब ये जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि क्या हो गया एक तरीके से जजमेंट का, क्या हो गया ये पेशो रेशो, गुड। तो अब हमारा अपन अपना रेशो नोट कर लेंगे, ठीक है। अब उसमें रेशो अपन ने नोट कर लिया, तो मेन आइडिया तो अपन को पता चल गया, ठीक है, ये अपन ने यहाँ रेशो में नोट कर लिया, ओके। अब हम नोट करेंगे लीगल इश्यूज, उसमें लीगल इश्यूज तो समरी में है नहीं, जहाँ मिल रहा है अपन को ठीक है, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ ठीक है, क्योंकि एज सच जो मेन इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब देखते हैं कोर्ट ने डिक्लेरेशन क्या क्या करी। पहली तो हम इसमें लिख लेंगे लीगल इश्यूज स्लैश डिक्लेरेशन या फिर समरी, ठीक है। ऐसे करके अपन अपना अगला सेक्शन बना लेंगे। उसमें पहला पॉइंट कोर्ट ने क्या बोला, सेक्शन 3 2 जो है 3 क्लॉज 2 ऑफ अनअमेंडेड
1988 वाला एंड अमेंडेड एक्ट, ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया फॉर बीइंग मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, ठीक है. अकॉर्डिंगली सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट, तो अमेंडमेंट एक्ट का भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज इट वॉज वायलेटिव ऑफ Article 20 Clause 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये हमें इम्पोर्टेंट चीजें नोट कर लेनी है. पहला पॉइंट हो गया कि सेक्शन 3 क्लॉज 2 अनअमेंडेड एक्ट जो था 1988 का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया. रीजन आगे दो वर्ड में लिख लिया, मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी. फिर दूसरा पॉइंट अपन ने लिख लिया सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया. रीजन वायलेटिव ऑफ Article 20 Clause 1, ठीक है. अपना बी पॉइंट, अभी अपना तीसरा पॉइंट हो गया नोट्स में, इन रेम फॉर फ्यूचर प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 ऑफ अनअमेंडेड एक्ट ऑफ 1988 प्रायर टू द 2016 अमेंडेड अमेंडमेंट एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी. अब सेक्शन 5 जो है अनअमेंडेड एक्ट का, 1988 वाले एक्ट का, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. और वो किस चीज का प्रोविजन था, इसमें अपन को दे रखा है समरी में, इन रेम फॉर फ्यूचर, ठीक है, इन रेम फॉर फ्यूचर. ओके, इस चीज का वो प्रोविजन था. अब हम क्या करेंगे, ये मैं पहले भी लिख सकता था, हाथों हाथ मैं इसलिए कर रहा हूँ, फोन लिया अपना, ठीक है, फोन में गूगल है ही, अब नोट बनाते वक्त देख लेंगे जो ये इन रेम फॉर फ्यूचर ये है क्या, ठीक है. अब इसमें क्या बता रहा है गूगल बाबा अपन को, कि सिविल फॉर फ्यूचर इज एन एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी नॉट द पर्सन, ठीक है, एंड इज द मैकेनिज्म बाय विच इन द एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी कैन बी कॉन्फिस्केटेड एज टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ इलिसिट गेन्स. तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ गया, ये डेफिनेशन हमने इन रेम फॉर फ्यूचर के आगे लिख लिया, कि बाय चांस पूछ लिया एग्जाम में, क्योंकि इसमें दे रखा है जजमेंट में इन रेम फॉर फ्यूचर क्या है, तो हमने बता दिया एमसीक्यू है, हमें याद रहेगा सबलिमिनली, और किस सेक्शन के अंडर है हमने ये आगे लिख लिया था नोट्स में, तो ये भी हमें याद रहेगा. ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है तरीका आपको नोट्स बनाने का. यस तो स्मार्ट वे में सर, मैक्सिमम 10 मिनट लगाने हैं नोट्स बनाते वक्त. ओके महिमा, ओके ऋशांक, ओके सर। सर वैसे मैंने अभी तक जो केस के नोट्स बनाए थे, मैंने मतलब 2022 के बनाए थे, ओके. उसमें उसमें मैंने नॉर्मल केस नेम लिखा, उसका जो जजमेंट थी वो लिखा, और इश्यू लिखा था, और क्या जजमेंट था वो शॉर्ट में करके बस बेंच वगैरह, सब बेंच लिखा था मैंने। केस के नेम ओके, के नीचे बेंच लिखा था, और फिर जजेस लिखे थे, और फिर जो मेन इशू था, और उसके बाद जजमेंट नॉर्मल तो और उसमें अपने वर्ड्स में क्लॉज। उसमें ये भी चेक किया आपने कोई पर्टिकुलर जो केस है वो रेफर, हाँ सर, केस भी मैंने रेफर किए हुए केसेस उसमें लिखे हैं नीचे पॉइंट करके, इम्पोर्टेंट गुड. एक बार व्हाट्सएप पे है। यस सर, मुझे पर्सनली अपने वो नोट्स भेज देना, मैं उनको एग्जामिन कर लूंगा, ओके सर, ठीक है, और उसमें कोई एडिशन होगा तो वो आपको बता दूंगा, बाकी मैं बता दूंगा कि नोट्स आपने कैसे बनाए, अच्छे से बनाए, ठीक है. ओके सर, एंड रिशांक की प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ओके वैसे बना के, मुझे फोटो खींच के स्कैन करके भेज दो कि सर ये लो, बता दो इसमें क्या कमी है. ओके, बाकी गुड महिमा, आपने कितने केसेस के बना लिए? सर। मैंने अप्रोक्सीमेट 25 केसेस के ही बनाए थे, तो मैंने बस स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर गुड, मैंने वेरी गुड, वेरी गुड. अपन को है ना क्लैट करेक्ट करने के लिए ज्यादा केसेस नहीं, इंपॉर्टेंट केसेस 150 के आसपास ही पढ़ने होते हैं. 25 आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक, कीप इट अप. ओके, सर। एक बात और, वो मैंने टॉट की क्लास स्टार्टिंग की दो अटेंड नहीं की थी, तो उसके बाद जब मैं अटेंड कर रही थी तो मैम स्लाइड्स में नहीं, ऐसे ही ब्लैंक पेपर पे करके पढ़ा रही थी, और उसकी कोई पीडीएफ नहीं है, तो नोट्स एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहे कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है कैसे। कि मैं एक काम करूंगा कि जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स थे जो मैंने अपने टाइम पे जिससे पढ़ा था, ओके सर, वो टॉपिक्स का जितना भी जो टॉपिक्स कवर्ड हुआ है उसका हर टॉपिक का मैं भेज दूंगा, ठीक है, जिससे ओके सर, रिपोर्टेड लेक्चर से आपका जो हेल्प हो जाए वो तो है, बाकी मेरे नोट से हो जाएगा. ओके, ओके सर, क्योंकि मैं वो पीडीएफ देख के फिर बाद में अपने खुद के नोट्स बना रही थी, और सिर्फ फर्स्ट पीडीएफ था, उसके बाद था नहीं, इसलिए। हाँ, एक एक है ना, ये जो भी कंसर्न होते हैं
तो मैं ग्रुप में हूँ, आई एम योर कोर्स कोऑर्डिनेटर। तो जितने भी कंसर्न है मेरे को बता दिए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नहीं बताता तो मेरे को पर्सनली कभी भी कॉल करके बता दो, ठीक है कि सर ओके यही मैं कॉग्निजेंस में ले लूंगा, और अगर मैं कॉल नहीं भी उठा पा रहा हूँ तो मैं कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है। तो ओके सर, मुझे नोटिफाई कर दिया करो, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तो मैं कैसे आपके लिए मतलब कोई एक्शन लूंगा फॉर योर बेनिफिट। सर मैंने सर को बताया था मुस्लिम लॉ के टाइम, तो सर ने बोला था कि मैम कर देंगी कुछ दिनों में या कभी भी। कोई बात नहीं, ये सर मैम है ना, ये जुडिशियल का ज्यादा देखते हैं तो उसमें बिजी रहते हैं। ये ओके सर, जो भी हो ना, मैंने नंबर दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, ठीक है, वहां पे टेक्स्ट कर दो मेरे को पर्सनली, चाहे तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो या फिर कॉल कर दो, ठीक है। ये ओके मुझे सर, बता दिया करो सब चीज, ठीक है, क्योंकि सब कोऑर्डिनेशन आईटी टीम सबके साथ ही मैं ही देखता हूँ क्लाइंट का। ओके हाँ, ओके तो हाँ सर। रिशांग बोलो। सर जैसे मैं लाइव लॉ फॉलो करता हूँ तो उसमें मुझे पूछना था कि केसेस बहुत सारे होते हैं, बट इम्पोर्टेंट कौन से क्लैट पीजी के लिए, वो कैसे पता चलेगा? हाँ तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ रिशांक, मैंने प्रिपेयर कर लिया है अगस्त और सितंबर का डाइजेस्ट 2023 का इम्पोर्टेंट जजमेंट्स का। ओके तो मैं वो अपलोड करूँ अभी, आज रात को मैं आईटी टीम को भेजूंगा, कल दोपहर तक वो आपको अपलोड करके भेज देंगे, ठीक है। तो वो जो केसेस हैं उनको आप रेफर करोगे तो आपका काम बन जाएगा। 10 से 15 इम्पोर्टेंट जजमेंट्स मैंने मंथ के जो थे सुप्रीम कोर्ट के वो डाल दिए। क्या लाइव लॉ वगैरह में फंसोगे ना, बार बेंच वगैरह में, तो देयर आर एम्पल ऑफ केसेस, दिन के 10 10 केसेस हैं, ठीक है। यस सर, तो वही है कि मैं आपके लिए केसेस स्क्रूटिनाइज कर रहा हूँ बैठ के, अभी मैंने कर दिए हैं अगस्त और सितंबर के। तो आपको अपना टाइम जो है उन इम्पोर्टेंट केसेस में लगाना है, रेदर देन आप सारे केसेस लाइव लॉ या बार बेंच पे पढ़ो, काफी ज्यादा रिग्रेस हो जाता है लाइव लॉ या बार बेंच से पढ़ना। और सर वो जजमेंट्स कंप्लीट करना भी फिर इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। हाँ इतने सर मतलब जैसे 1000 जजमेंट्स हैं या फिर उनसे ज्यादा ही होंगे 3 साल के, तो 1000 जजमेंट्स आप कैसे पढ़ोगे? पढ़ भी लोगे, मान लो पढ़ भी लिया तो याद नहीं रख पाओगे ना, हेंस मैं स्क्रूटिनाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए केसेस। ओके क्लियर? सर वैसे एसएससी ब्लॉक पे भी मतलब ऐसे ईयरली डाइजेस्ट आ जाता है, उसमें अप्रोक्स 30 या समथिंग केसेस देते हैं वो ईयरली जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और ओके बाकी बाकी लीगल बाइट्स पे भी वो कंपेयर कर सकते हो आपकी कितने केसेस सिमिलर हैं। तो फिर मेनली वो कर लो जो सिमिलर केसेस बाकी साइट्स पे भी है, और बाकी जो इधर उधर से आपको खुद से करना हो वो कर सकते हैं। ओके एक्चुअली है ना, द थिंग इज कि लीगल बाइट्स के जो इम्पोर्टेंट केस लॉज होते हैं ना, वो जब मैंने अपना क्लैट दिया था ना तो यस मुझे भी सर, लगा कि लीगल बाइट्स से कर लेता हूँ, वहाँ बढ़िया। बट द थिंग नहीं इज कि सर उसके नोट्स बहुत ही बेकार है, मतलब सिर्फ केसेस के नेम बता दिया है, बाकी नीचे का जो हाँ मटेरियल बट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब मैंने उसका मटेरियल वगैरह देखा था ना, तो फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, मेरी तो बैंड बज गई थी, फिर 25 दिन ही बचे थे। तो मतलब अब तो क्लैट पीजी का जैसे हमने कोचिंग चालू कर दिया, रोस्टम लीगल आ गया है, तो क्लैट पीजी का अब तो चलो कोचिंग है, पर पहले नहीं था ना, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता था तब। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वही है कि उससे एक्सपीरियंस है कि कैसे स्क्रूटनाइज वगैरह करना है केसेस। तो मैं वही कर रहा हूँ कोशिश कि मैं ये एफर्ट करूँ, आपका टाइम बस वो जो जो भी 150 से 160 केस लॉज हैं वो ऐसे हो जाए आपको कि उनमें से कहीं से भी एक्सेप्ट आ जाए ना। देखो हमें पूरे जजमेंट नहीं पढ़ने हैं, हमें एक्सेप्ट है ना, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा जो एग्जाम्पल है ना, कि वो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा बेनामी ये सेक्शन की बात हो रही है, मैनिफेस्टली आर्बिट्री, ओके ये तो वही केस है। तो इस तरीके से आप रिमेम्बर करते हो एग्जाम में, ठीक है। ओके सर, या तो अभी हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ठीक है, तो ये समझ आ गया, इन रैम फॉरफिचर की बात हो रही है, ये कर दिया, अनअमेंडेड, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था ये कर लिया, किस वजह से, मैनिफेस्टली आर्बिट्री, और इन रैम फॉरफिचर का डेफिनेशन हाथों हाथ देख लिया और नोट्स में लिख लिया, वन लाइनर, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना कि एमसीक्यू में आप सॉल्व करो, क्योंकि हमें इफेक्टिव स्टडी करनी है, हमें टाइम वेस्टिंग करना है, एक जजमेंट में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। ओके नोट्स में आपको दूंगा, ठीक है, वो रिवीजन के लिए, उससे ऑब्वियसली आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, टाइम बचेगा, बट द थिंग इज कि खुद से भी जब नोट्स बना के करोगे ना, तो एक तो खुद से नोट्स बनाओगे, ठीक है, उसमें भी मैं आपको समरी दूंगा, उन समरी से नोट्स बनाना है, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ना, तो एक वैसे ही काम आसान हो गया, तो उनसे नोट्स बनाओगे, प्लस जो मेरा फॉर्मेट में मैं जो भेजूंगा मॉड्यूल वो देखोगे,
इतना चकाचक प्रिपरेशन हो जाएगा क्लैट पीजी आने तक कि यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, अब थोड़ा टाइम एफिशिएंट मैनर में करते हैं इसको। नाउ इन रैम ये तो हमने कर ही लिया। नाउ लेट्स सी। सो द 2016 अमेंडमेंट एक्ट वाज नॉट मेरली प्रोसीजरल रेदर प्रिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोविजंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें कर देना है कि वो प्योरली प्रोसीजरल नेचर में, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोविजंस। तो कैसे ऑप्शंस आ जाए अकॉर्डिंगली, हमें पता है कि इट वाज नॉट प्योरली प्रोसीजरल, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब सर्टेन सब्सटेंटिव प्रोविजंस। ओके, नाउ लेट्स सी पॉइंट डी। इन रैम फॉर विच प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द 2016 एक्ट बीइंग प्यूनिटिव इन नेचर कैन ओनली बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोएक्टिवली। 1988 वाला जो बेनामी एक्ट था वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था। अब जो 2016 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडेड जो एक्ट था उसका जो सेक्शन 5 था वो सिंस प्यूनिटिव था नेचर में, तो उसमें कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई किया कि वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा नेचर में, रेट्रोएक्टिव नहीं होगा, फिर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ओके, ये हमने नोट्स में लिख लिया, ये भी हमें पता चल गया। नाउ कंसर्न्ड ऑथोरिटीज कैन नॉट इनिशिएट और कंटिन्यू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स फॉर ट्रांजेक्शंस एंटर इनटू प्रायर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ 2016 अमेंडमेंट एक्ट विज 25/10/2016 एज अ कॉन्सिक्वेंट ऑल सच प्रोविजन प्रोसिक्यूशंस और कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स स्टैंड क्वाज्ड। तो इस वाले पॉइंट का ये मतलब एक तरीके से एक्सटेंशन हो गया। अब इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें नहीं लिख सकते हैं, ये डेट लिख सकते हैं 25/10/2016 से जो है उससे पहले के जो मैटर है, ठीक है, उसी में मतलब उसमें जो है इनिशिएट नहीं हो सकता, उसके बाद वाले जो मैटर्स हैं उसमें ये प्रोसिक्यूशन और कॉन्फिस्केशन होंगे। क्यों? क्योंकि पहले में हमने बात की थी कि प्रोस्पेक्टिव नेचर होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। तो ये डेट हम नोट कर सकते हैं, बाकी तो कॉमन सेंस है, हमें पता ही है। ओके, नाउ इफेक्ट देख लेते हैं जजमेंट का। सो द इफेक्ट ऑफ जजमेंट वाज, इफेक्ट ऑफ द जजमेंट इज दैट ब्लैंकेट बैन ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन गोज, बेनामी ट्रांजेक्शंस अमाउंट टू ऑफेंस ओनली इफ दे आर डन इन ऑर्डर टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ और टू अवॉइड पेमेंट ऑफ स्टेचुटरी ड्यूज और टू अवॉइड पेमेंट टू क्रेडिटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 53 एंड दैट टू फॉर ट्रांजेक्शंस आफ्टर अक्टूबर 25, 2016। ओके, तो जो मेन इफेक्ट क्या था वो था बेनामी ट्रांजेक्शन अमाउंट टू ऑफेंस गोज एंड इट स्टैंड्स ओनली इफ दे आर डन टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। पहला पर्पस हो गया डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। दूसरा पर्पस क्या हो गया? अवॉइड पेमेंट ऑफ स्टैचुटरी ड्यूज और टू अवॉइड पेमेंट टू क्रेडिटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 53। ये रख लेंगे यार, ओनली फॉर ट्रांजेक्शन आफ्टर अक्टूबर 25, 2016। अब ये बताओ मैं दूसरा केस देखूं या पहले जल्दी से क्वेश्चन करें इन केसेस से, इस वाले केस से रिलेटेड। महिमा, रिशांग, पहले सर इसके क्वेश्चन कर लेता हूँ। सर चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ओके पढ़ने में आ रहा है यस सर। तो भी ये ठीक है, जजमेंट हमें पता है। ओके, तो उसमें से ये एक्सेप्ट उन्होंने निकाल के रख दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। व्हेन वी कम टू द प्रेजेंट एनेक्टमेंट हिस्ट्री पॉइंट्स टू अ डिफरेंट स्टोरी वेर इन बेनामी ट्रांजेक्शंस वर एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ होल्डिंग इन आर कंट्री। इन फैक्ट द प्रिवी काउंसिल हैड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम प्रेज द सुई जेनरिस इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट इन इंडियन लॉ। द रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट एंड द लॉ कमीशन टू कर्ब बेनामी ट्रांजेक्शन वॉज ऑल्सो नॉट सफिशियंट
एज इट वॉज कंसिडर्ड बिफोर दिस कोर्ट दैट सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ द 1988 एक्ट इन रियलिटी डिहोर्स द लीगैलिटी रिमेंड ओनली ऑन पेपर एंड वर नेवर इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड. एनी अटेम्प्ट बाय द लेजिस्लेचर टू इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शंस रेट्रोएक्टिवली वुड नो डाउट बी ससेप्टेबल टू प्रोहिबिशंस अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Looked at from a different angle, continuation of only the civil provisions under Section 4, etc., would mean that the legislative intention was to ensure that the ostensible owner would continue to have full ownership over the property without allowing the real owner to interfere with the rights of Benamidar. If that be the case, then without effective any enforcement proceedings for a long span of time, the rights that have crystallized since 1988 would be in jeopardy. Such implied intrusion into the right to property cannot be permitted to operate retroactively, so that would be unduly harsh and arbitrary. देखो, अब इसमें हम दूसरा पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते ना, तो पहले पैराग्राफ से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन सा केस है. कैसे? पहली बात हुई बेनामी ट्रांजेक्शन की, ठीक है. अब केवल बेनामी ट्रांजेक्शन से हमें जंप नहीं कर जाना है कि ये वही वाला केस होगा. आगे हमने देखा सेक्शन कि थ्री सेक्शन थ्री और सेक्शन फाइव जो हमने देखा था 1988 वाला एक्ट, उसकी बात हो रही है. फिर आर्टिकल 21 को ट्रांसग्रेस कर रहा है, ये भी हमने देखा था समरी में, है ना. प्लस हमने क्या देखा था कि इसमें जो बात हो रही है रेट्रोएक्टिव आ गया वर्ड, हाँ रेट्रोएक्टिवली, ठीक है, रेट्रोएक्टिव एक्शन इसकी बात हो रही है. तो अब चाहे हमने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, हमने अपना टाइम खराब नहीं किया, हमने वो समरी पढ़ी थी जो समरी मैंने आपको निकाल के दी, और वो इफेक्टिवली सारी चीजें कवर कर रही थी. तो हमें ये प्रोविजन से किस चीज के बारे में, रेशो में बात हो गई थी पैरामीटर ट्रांजेक्शन की, किस आर्टिकल के ट्रांजेक्शन को ट्रांसग्रेस कर रहा था, और रेट्रोएक्टिव एक्शन की बात कर रहा था, इन सबसे हमें निकल के आगे ना कि कौन सा केस का बात हो रहा है, हमने पढ़ रखा है. तो अब तो हमें सब कुछ क्लियर ही हो गया, क्रिस्टल क्लियर कि केस में क्या बात थी, क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, तो वो हमारे लिए क्लियर हो गया. तो अब देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द अबव मेंशनड एक्सेप्ट, सो ए है ना रिशांक, यस सर. ए. तो डोंट यू थिंक कि लाइव लॉ वगैरह बारमेंट से ऐसे केस पढ़ते हैं ना, से ज्यादा बेटर है कि ये जो समरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन समरीज से आप देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे डिस्कस हो रहे हैं, इस तरह की केसेस आते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें पैराग्राफ में इम्पोर्ट मतलब मेन मेन चीजें देखनी है, क्या है, कौन से प्रोविजन की बात हो रही है, किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ रेशो कहाँ कहाँ है, कौन सा आर्टिकल वगैरह ट्रांजेक्शन ट्रांसग्रेस कर रहा है, कौन सा प्रोविजन वायलेट हो रहा है, ऐसा लीगल जार्गन देख लिया, लीगल टर्म देख लिया, रेट्रोएक्टिव एक्शन वगैरह, ठीक है. ये जो 3-4 हिंट्स हैं इनसे हमें क्लियर हो गया ना कि कौन सा केस है. तो यस सर. तरीके से हमें एग्जाम में आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हमने पढ़ रखे हैं, इस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं कौन सा केस है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है. सो आपको इंडिकेटर्स एक्सेप्ट कहीं से उठा के दे दें, वो ये इंडिकेटर्स जरूर होंगे आपके पास, तो इंडिकेटर से ही हमें खेलना है, ठीक है. अब और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेजिस्लेशन डिस्कस्ड इन दिस एक्सर्प्ट, बताओ. ए हाँ सर डी प्रोहिबिशन शायद. या ठीक है, ये गलत. नहीं 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 डी नहीं है, भूल गए, ए डी डी वही तो मैं बोलू प्रोहिबिशन पे था केस. आपने बी बोला या डी बोला? सो मैंने डी बोला था प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी. ओके ओके ओके, दिस वन ना जो मैंने मार्क किया है. यस सर डी. हाँ ओके करेक्ट, इसको वापस से हम देख भी लेते हैं, चलो बाद में देखेंगे, यही है, इतना तो हम अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट कर ही सकते हैं, और इसको रिवाइज कर लोगे 3 बार तो अपनी मेमोरी पे पूरा ट्रस्ट करोगे, क्योंकि एमसीक्यू उसका फायदा ही होता है
कि हम जब 3 4 बार रिवाइज करते हैं ना, तो हमारे सबलिमिनल मेमोरी में वो फीड हो जाता है, तो ऑप्शंस देखते ही हमें पता लग जाता है कि हाँ कौन सा है ना। इसी यस सर। इसी पैटर्न का हमें फायदा उठा के एग्जाम क्रैक करना है। ओके महिमा, ओके ऋषांक। ओके सर। यस सर। तो हमें फालतू में मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स नहीं उठानी है, हमें यही जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको हम क्लियर कर ही रहे हैं कि क्लासेस क्रैश कोर्स उसका मेन मोटिव क्या है, कि अगर आप 5 साल में भूल भी गए हो कि कौन से आर्टिकल का क्या एप्लीकेशन क्या था, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 7 दिन में खत्म किया, तो वो जो क्लासेस है, महिमा आपने तो लाइव ही अटेंड किया था मेजरली सारे क्लास, ऋषांग आपने रिकॉर्डिंग देख ली होंगी, तो उससे आपको जो मेन जो एप्लीकेशन है, जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो आर्टिकल्स का क्लियर है, अब है ना। यस सर। तो कोई भी आर्टिकल डिस्कस होगा कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें किसी भी जजमेंट में, तो आपको एक आइडिया होगा। यस सर। हम चाहते तो सीधा जजमेंट बेस्ड स्टडी भी कर सकते थे, बट उसमें क्या होता कि बार बार हमें वो आर्टिकल्स को, उन प्रोविजंस को देखना पड़ता व्हाइल वी आर स्टडिंग। हेंस जो जजमेंट्स का मैराथन है वो मैंने एंड में चलाया, बट यस सर। आई बस थिंक ऐसे कंफ्यूजन भी हो जाता फिर बहुत ज्यादा। ये एक्सरसाइज आपको इंटरेस्टिंग लगी है ना। मैं सोच यस सर। रहा हूँ कि हर संडे करें, क्योंकि हाँ सर। ये यस सर। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ा मजा आता है ना। यस सर। और मतलब एक हमारा मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, ठीक है, जो हमने निकाले 999 में, वो आप लोगों को परचेस नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को तो अवेलेबल है ही, तो वही जो है ना, तो अपने ग्रुप वगैरह में भी डाल देना कि अलग से मतलब एड कैंपेन चला रहे हैं, तो आपके नंबर ऑलरेडी फीड है, तो हो सकता है वो आ जाए, तो कोई अलग से उस मॉक टेस्ट में एनरोल मत करा लेना, क्योंकि तो वो मॉक टेस्ट अपने पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक ओके सर। है। हाँ, प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना, ओके, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि किसी का मॉनिटरी नुकसान हो जाए फालतू। क्वेश्चन 3, ठीक है, विच सेक्शंस वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द फॉलोइंग जजमेंट। बी वैसे थ्री तो हाँ बी, एंड फाइव। यस। अब वैसे तो और भी सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुए थे, है ना, अमेंडमेंट एक्ट के भी, एक एक्स्ट्रा और था, बट हमें क्या देखना है इस वाले में, कि जो प्रेजेंट जो ऑप्शंस है उसमें से सबसे सही कौन सा है। अब जैसे ये है केवल सेक्शन 3(2) ओनली, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सेक्शन 5 भी हुआ था, और नन ऑफ द अबव भी सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो हो ही हुए थे, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ऑब्वियसली यस महिमा यू आर राइट बी। ओके, अब महिमा नेक्स्ट वाले में आप आंसर नहीं करोगे, ठीक है, नेक्स्ट वाला अब ऋषांग आंसर करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ दिस जजमेंट, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ABCD, ABCD, बताओ ऋषभ। हाँ सर सी। नहीं ऋषभ, आप बताओ महिमा। तो इनवैलिड हो गया था आई गेस। आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे ना ऑप्शंस, देखो ध्यान से पढ़ो। पहला चीज, बेनामी ट्रांजेक्शन बिकम पार्शली इनवैलिड, ठीक है, तो जो पूरा बेनामी ट्रांजेक्शन है उसकी बात नहीं हुई थी, इट वॉज अ ब्लैंकेट बैन, ठीक है, रेशो में बात बोली थी कि इट वॉज अ ब्लैंकेट बैन, तो जो इम्पोर्टेंट लीगल टर्म है वो आपको याद रखना है, इन दोनों में ब्लैंकेट बैन की बात ही नहीं है, ये तो कंप्लीट कंप्लीट इनवैलिडिटी इनवैलिडिटी की बात कर रहे हैं, ये पार्शियली इनवैलिड इनवैलिड ये तो वैसे ही हट गए। अब ब्लैंकेट बैन जो था उसमें क्या बोल रहा था, ब्लैंकेट बैन हट गया है, तो ब्लैंकेट बैन ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन गोज, और आपने क्या बोला ऋशांक, जो आपने चूज किया कि बेनामी ब्लैंकेट ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन आर सॉलिडिफाइड, कि ब्लैंकेट बैन जो है वो और सॉलिडिफाई हो गए, जबकि हमने क्या देखा था कि ब्लैंकेट बैन ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन हट गए, दे वेंट अवे, एक स्पेसिफिक लाइन रेशो में एंड में
एक ही इफेक्ट क्या था, इफेक्ट ये था, ब्लैंकेट बैन ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन गोज। तो हमें अपने नोट्स में रिवाइज करना है, ध्यान रखना है, ठीक है? कोई बात नहीं, आपका पहला जो है गलत क्वेश्चन था। मुझसे मिस हो गया था ब्लैंकेट बैन, बाकी मेरा सही था कि बेनामी ट्रांजैक्शन इनवैलिड। तो आपके आपके जो ऑप्शंस है ना वो ऐसे ही आएंगे मिलते जुलते। कंसोर्शियम इज वेरी क्लेवर, शाना है कंसोर्शियम। तो मतलब जो है आपको ऐसे ही मिलते जुलते आएंगे, तो आपको एकदम वो बोलते हैं ना पैनी नजर, यस सर, जो रेशियो है उसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको जरूर ध्यान रखना है, ब्लैंकेट बैन ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं, ब्लैंकेट बैन ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन। यस सर, ओके ऋषंग, क्लियर? यस देखते हैं क्वेश्चन 5। सो विच ऑफ द फॉर्मर सीजीआई वॉज पार्ट ऑफ द कोरम इन द केस? के एनवी रमन्ना। यस, कुडोज टू बोथ ऑफ यू। एंड ये प्रैक्टिस सेशन जो है केवल आप दोनों ने अटेंड किया, आई एम वेरी हैप्पी। तो पर्सनली मुझे अपना वो भेज देना, मतलब महिमा आप कौन सी सिटी में हो? सर भोपाल। भोपाल, जोमेटो चलता होगा ना वो? यस सर, ओके ऋषांक, आप दिल्ली में राइट? दिल्ली। हाँ, तो दोनों मेरे को अपना वो भेज देना, करंट लोकेशन व्हाट्सएप पे। लाइव मत भेजना क्योंकि करंट वाला जो है वो जोमेटो पे पिकअप होता है, ठीक है? तो आई विल सेंड यू ट्रीट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, इसकी नीड नहीं थी। व्हाट महिमा? थैंक यू, बट इसकी नीड नहीं है सर। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि यू गाइज आर सर आप नोट्स दे देना हमको फिर नोट्स तो मैं दूंगा ही। अलग से। हाँ अच्छा, अलग से? ओके सर, okay. देखो मेरे को नोट्स तो सभी को देना है। व्हाट आई कैन डू इज कि देखो मैंने बोल रखा है कभी भी वन ऑन वन मेंटरिंग चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, यू वांट कि क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट है जैसे टॉर्ट्स भी है उसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि सर इसमें 15-20 मिनट में मेरे को एक्स्ट्रा समझा दो, ठीक है? तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? मैं एक पर्टिकुलर टाइम बता दूंगा। और कोई नोट्स वगैरह भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि सर इस वाले नोट से नहीं हो पा रहा, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ मटेरियल है तो भेज दो, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? बट मुझे कम्युनिकेट करो, ठीक है? आई एम देयर फॉर यू 24x7, बट जस्ट कम्युनिकेट इट टू मी, क्या नीड है? जैसे वन ऑन वन मेंटरिंग भी है तो आपके लिए अवेलेबल है, कोर्स में बोला था ना आपको कि वन ऑन वन मेंटरिंग लेगी, तो उसको अवेल करो। ओके सर, ओके, यस सर। आई विल बी रियली ग्लैड कि आप में से, मतलब यू नो लाइक आई आफ्टर ग्रेजुएशन एंड इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैड द ऑफर्स टू ज्वाइन सम कॉर्पोरेट फर्म और इवन अ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, बट आई चोज दिस बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। एंड जब वेन आई टीच समवन एंड दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड आई सी अ पोटेंशियल इन देम दैट यस दे कैन एस इट, लाइक यू टू गाइज इफ यू टू एस द एग्जाम देन जितना यू गाइज विल बी हैप्पी, बिलीव मी आई विल बी इफ नॉट मोर आई वुड बी इक्वली हैप्पी दैट आई मेंटर्ड सच स्टूडेंट्स। सर मैंने अभी तक क्लैट का फॉर्म फिल नहीं किया है क्योंकि मुझे डाउट है, मतलब कि मैं दू कि नहीं दू इस बार का क्लैट। दे दो, भर लो फॉर्म। ओके, देयर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव टेकन द कोर्स, यू कैन एस इट, ओके सर, यू हैव बीन रेगुलर एंड लाइक आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग व्हाइल आई एम सेइंग दैट आई सी यू एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु कैन एस इट। ओके, थैंक यू सर। या सो बिलीव माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, टेक इट एज माई गारंटी, डू फिल द फॉर्म। ओके, ये मत करो मई मत, फॉर्म फिल कर ओके लो। सर, रिशांग आपने तो फिल कर लिया है ना? यस सर। गुड मई, में लास्ट डेट पता है फॉर्म का कब है? यस सर, 3rd November। मतलब कल सुबह? हाँ सर, कल? कल सर मैं आज इवनिंग में जाके फिल कर लूंगी। हाँ ओके। यस सर।
हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस कॉन्स्टिट्यूटेड द फोरम इन द केस? सी ट्रू राइट. अब हमने क्या कर लिया, टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, जजमेंट्स पढ़ लेते हैं, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं पढ़ते, बस जजमेंट पढ़ के चले जाते हैं. इसमें अपना स्पेसिफिक फोकस क्या रहता है, अपना स्पेसिफिक फोकस बेंच पे रहता है, रेशो पे रहता है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे रहता है, उस प्रोविजन में कोई चीज है उसकी डेफिनेशन पे रहता है नोट्स में. सो नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन या फिर इससे कमी लेवल के कंसोर्शियम जो है वो देता है. तो अब क्या होता है कि हमने इस तरीके से अगर स्टडी नहीं किया होता और ये एक्सेप्ट हमारे सामने आ जाता तो हड़बड़ाहट हो जाती एग्जाम में, होती कि नहीं होती महिमा? यस बट सर. अब हमें पता है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स वी हैव टू लुक अपॉन. कोई भी एक्सेप्ट है, हमने जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से जजमेंट्स को स्टडी किया. सो नाउ द टास्क हैज बीन डन फॉर अस. अब आप देख रहे हो कि हमें ये सब पता है, तो इसमें से मान के चलो कि 6 में से 4 से 5 क्वेश्चन अगर हमें वो जजमेंट पता है तो हमारे होंगे ही होंगे. अगर उसमें से कोई रेफर्ड जजमेंट है या फिर उससे रिलेटेड कोई लैंडमार्क जजमेंट है वो दे देता है तो अलग बात है, बट अगर 5 में से है ना 6 में से है ना 5 भी आपके निकल रहे हैं क्वेश्चंस, तो माइंड में इट्स वेरी गुड, ठीक है. और जो नहीं आ रहा है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है. नाउ लेट्स सी, 120 है ठीक क्वेश्चंस, 20 पैराज हैं. 20 पैराज में मान के चलो 3 जो है वो नॉर्मल स्टैट्यूट से हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस वगैरह के हो गए जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी 17 जजमेंट्स पे हैं, ठीक है. उन 17 में से मान के चलो 10 जजमेंट में हमें पता है, 20 में से 10, तो पैनिक नहीं होना है कि हमें तो केवल आधा ही पता है. 10 में से जो आपको पता है, मान के चलो कि आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हो, उसके बाद जो बाकी 7 जजमेंट्स हैं उनमें भी आपको देखना है कि जो लॉ का जो पार्ट है, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट जो बोल रहे हैं, क्या हम उससे कुछ डेफिनेट निकाल पा रहे हैं, उससे हम एक एक क्वेश्चन में निकाल पा रहे हैं. वैसे इसके चांसेस बहुत कम होंगे कि हमें 10 ही जजमेंट पता हो, 12 तो इजिली हमें पता होते हैं इस स्ट्रेटेजी से, ठीक है. बट फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ मैं, 50 पता है. अब जो बाकी के साथ हैं उसमें से एवरेज लेके चलते हैं, एक एक हमें पता है, लगा लिया हमने अपनी कॉमन नॉलेज से 57 क्वेश्चन, और बाकी जो 3 है तो वो हमने कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो है वो की है, ज्यूरिसप्रूडेंस वगैरह की. ज्यूरिसप्रूडेंस अभी आपका चालू होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में दे दूंगा, तो उसमें से हमें 4 4 क्वेश्चन भी हमारे बन रहे हैं. चलो ये 3 है स्टेच्यूट बेस्ड, तो ज्यूरिसप्रूडेंस तो सारे कवर हो रहे हैं, तो वो तो आपके पास है ही, उसके मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है. ज्यूरिसप्रूडेंस का क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक निपटाने है ज्यूरिसप्रूडेंस का. तो ज्यूरिसप्रूडेंस के तो 12 क्वेश्चन मान के चलो कहीं नहीं गए अपने पास में, फिर भी मान के चलते हैं उसमें से 4 4 है, तो 57 + 8 65, ठीक है. उसके बाद भी आप नहीं माने, आपने कुछ तुक्के लगा लिए, 75, ठीक है. अब 75 आपने अटेम्प्ट किए, 65 तो पक्का करेक्ट है ही है, ओके. अब 75 में से मान के चलो 10 में से 2 सही हो रहे हैं, ठीक है, 67 आपके सही रहे. अब उसमें 8 गलत हो रहे हैं, 8 का 0.25 कितना हो गया, 2 मार्क्स, तो आपका स्कोर रहा 65. 65 में यू वुड बी गेटिंग अ टॉप टीयर एनएलयू वर्स्ट केस सिनेरियो में, सर, ओके. इसमें एलिमिनेशन मेथड, मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं एलिमिनेशन मेथड का? सुनो सुनो सुनो, अब इसमें है ना कुछ होते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जैक्ट पूछ लेते हैं कि ये कौन से सेक्शन में प्रोविजन है, तो हमें वो पर्टिकुलर सेक्शन जैसे पता लग गया. जैसे एक क्वेश्चन था उसमें जजमेंट मुझे नहीं पता था, मैं तो क्या बताऊं, मैं तो खुद से पढ़ा था, तो जब मेरा टाइम था ऐसे ही था कि 3 जो थे वो स्टैट्यूट्स वगैरह से आए थे, 2 ज्यूरिसप्रूडेंस में से, 1 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, बाकी 17 जो है जजमेंट्स आए थे, और उसमें से पता है मुझे कितने जजमेंट पता थे 17 में से, गैस करो. 8, ट्वेल्व सर 8, या 15? पहले महिमा आप बोलो, आप कितने कितने बताया? सर 10 to 12? ओके रिशांक, नाउ यू 7, 8, 8 सिंगल.
केवल एक जजमेंट पता था मुझे, क्योंकि मैं तो खुद से कर रहा था, मैं यही वाला रैंडमली उठाने लग गया था लाइव लॉ से, ठीक है। बट अब मैं क्या कर, अब जब मैंने इसमें चालू किया, ठीक है, पिछले साल भी मैंने मेंटर किया, तो मैंने क्या किया, जो मैं गलती करता हूँ वो ना करूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली जो है प्रतियोगिता दर्पण, हिंदू वगैरह पेपर, ये सब पढ़ता हूँ। मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है, आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको तो एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो रेलिवेंट चल रहा है उससे, पिछले साल मैंने बाइफर्केट किया था, तो पिछले बार 12 वो आए थे पैराज, उसमें से एक जनरल था, बाकी 11 जजमेंट पे थे, तो उन 11 में से जो 8 थे वो जजमेंट हमने पढ़े थे उसमें से थे। क्यों? क्योंकि नाउ आई कॉन्स्टेंटली लुक इन टू GKtoday.com, आई कॉन्स्टेंटली रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू बोथ, तो उसमें जो रेलिवेंट में, हाँ सर, मैंने GKtoday.com देखा था, उसमें जो मतलब वन लाइनर्स टाइप आते हैं, जो करंट अफेयर्स आते हैं, तो सर वो मतलब बहुत छोटा लग रहा था मुझे, क्योंकि जैसे मैंने CDS का एग्जाम दिया था, तो उसमें से मुझे रिलेटेबल नहीं लग रहा था। ओके अरे वो बेसिकली है ना GKtoday.com, तो मैंने इसलिए बोला था कि चलो ठीक है, बाकी मेन काम मेरा है, क्योंकि GKtoday.com में मैं वो जो वन लाइनर्स होते हैं वो नोट्स पर्पस से किसी काम से नहीं है, बट उससे मुझे ये पता लग जाता है कि हाँ क्या चीज जो है, हाँ हाँ सर, लाइक आपको नॉलेज रह जाएगी कि कहीं पे भी जाओ तो बोल पाओ। प्लस नॉलेज रहेगी, प्लस जैसे एज एन इंस्ट्रक्टर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये रहता है कि मुझे आप लोगों को अभी क्या चीज रेलेवेंस में चल रही है, तो अगर कोई उससे पर्टिकुलर रिलेटेड जजमेंट है तो वो पक्का पक्का रेलेवेंस का है एंड वो एग्जाम में आएगा, तो उस पर्पस से मतलब काम आता है। बट फिर भी मैं आपको इसलिए बोल देता हूँ कि जिससे आप अगर खुद से भी कुछ जजमेंट वगैरह देख रहे हो तो उनसे आपको ये आ जाए कि हाँ ये GKtoday.com पे देखा तो ये रेलेवेंट है ये जजमेंट, उसके लिए मैंने बोला था, ओके बाकी सर, मैं तो आपको दूंगा ही, ठीक है। तो मेरे को एक जजमेंट पता था, तो बाकी में क्या था, 5 साल अपन ने लॉ पढ़ाई है, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर कर रहे हैं क्लास में, क्रैश कोर्स में, तब उसमें क्या है कि बाकी जो थे उसमें मैंने जजमेंट तो मेरे को नहीं पता था, तो मैंने वो फालतू में नहीं किया, पर हाँ कुछ जजमेंट थे जो मेरे को याद आ गए थे नाम, पर पूरा मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था, बट जो मेन था जैसे एक था उसमें डाउरी डेथ के बारे में था, तो डाउरी डेथ मुझे पता ही है कि कौन से सेक्शन के अंदर आईपीसी के, प्लस उसमें ये था कि एविडेंस एक्ट के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, तो वो भी मुझे पता था कि हाँ 113A में इसकी बात है, तो ऐसे पर ऐसे आपकी करके, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज काफी अच्छी थी उस टाइम। हाँ तो उसका मतलब मेरे को फायदा मिल गया, प्लस ऐसा नहीं है सभी का अच्छा होता है, आप लोगों का भी अच्छा है उस वक्त आ जाता है, तो ऑप्शंस होते हैं ना तो और इजी हो जाता है टास्क, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो क्लिक कर जाता है एग्जैक्ट क्लिक कर जाता है कि हाँ ये हमने जजमेंट नहीं पढ़ा, बट हमें पता है कि डाउरी डेथ का जो बर्डन ऑफ प्रूफ का बात है वो सेक्शन 113A एविडेंस एक्ट में बात हो रहा है, तो हम लगा देंगे। उसमें किसी में फंडामेंटल ड्यूटी पूछ लिया था, एक पर्टिकुलर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पूछ लिया था, तो वो तो हम आंसर कर ही सकते हैं ना अगर जजमेंट नहीं भी पढ़ा हो तो वो हमें देख लेना है कि वो एग्जैक्ट हमें पता है। तो जैसे जो जजमेंट नहीं भी आते, जैसे 7 जजमेंट है उसमें नहीं भी आते, तो उसमें एक दो क्वेश्चन हर उसमें ऐसा मिलेगा पैराग्राफ में जो उस पे होगा कॉन्सेप्ट्स पे, अगर हमने जजमेंट पढ़ा है तो हमें तो वो पर्टिकुलर प्रोविजन पता ही होगा क्योंकि वो हमने एग्जैक्टली जजमेंट के पर्पस से पढ़ा था, पर अगर नहीं भी है तो भी हमें नॉलेज तो होगा ही है ना, तो ये हमारा पहला केस जो है वो हो गया। ओके तो जल्दी से दूसरा भी देख लेते हैं हम अपना। टाइम आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा ना किसी चीज के लिए? सर नेक्स्ट क्लास कितने बजे से होगी? मेरी है तो कोई सीन नहीं है, 4 बजे कर लेंगे। सर वो मेरी 5:15 से कोचिंग है, तो मुझे वहां पे जाना था, इसलिए ओके ओके तो ओके ओके 5 तक हो जाएगा तो फिर बेटर होगा। हाँ तो मैं 5 तक ही करूंगा, एनवायरमेंटल लॉ ज्यादा बड़ा नहीं है उसका, ओके सर, है ना। और ओके तो आप मैनेज कैसे कर रहे हो ये वाला कोचिंग और वो वाला कोचिंग? सर वो वीकेंड्स पे होती है, और जब मॉर्निंग में होती है तो मैं मॉर्निंग में नहीं जाती, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में गई तो दिन में मेरा कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे नींद आती रहेगी, तो मैं मॉर्निंग वाली नहीं जाती। ओके जब वीकेंड्स पे इवनिंग में होती है वो तो चली जाती हूँ। किस चीज से, वो लॉ से रिलेटेड है?
नो सर, वो SSB के लिए। एसएसबी के लिए। ओके यस सर। तो ओके तो मतलब वो ना हो कि जैसे अपने है ना माइंड जो है टू फ्रेंड्स में अगर चल रहे तो बस वही है कि ये वाली चीजें आप सबलिमिनल माइंड से आपके निकले ना, तो नो सर, एक्चुअली ये जरूर वो मेक मैं श्योर अभी से करना। नहीं सर, उसको मैं बहुत पहले से जाती हूँ, और वो सिर्फ वीकेंड्स पे ही होती है। उसमें सिर्फ मतलब सर एट दैट पॉइंट जो मतलब पहले से नहीं बताया था कि आपको पढ़ना है या ये कुछ, वो तुरंत ही एट दैट पॉइंट उसी हाँ, स्पॉट पे आपको उसमें देते हैं। तो ये हाँ सब होता होगा ना, जो एक एक टास्क वो होता है जिसमें पिक्चर मिलता है, फिर स्टोरी बनाना सर, पॉजिटिव यस सर, वैट वाले। हो गया, टैट हो गया, बाकी हाँ यस यस करेंट अफेयर्स पे डिस्कशन हो जाता है, तो वो सब होता है सर। हाँ। अच्छा, तो आप तो एसएसबी का तैयारी कर रहे हो ना, तो बताओ कि इसराइल कौन सी ट्रीटी के अंडर फॉर्म हुआ था। सर मैंने अभी पढ़ा नहीं है कुछ भी, मैं अभी यही गलत, कंप्लीट नहीं कर बहुत पा गलत रही बात है, हूँ। बहुत गलत बात है भाई। वैसे तो एसएसबी बेलफोर ट्रीटी सर मुझे 19 अलग से पूरा वो सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। पापा से रिलेटेड भी कितनी चीजें हैं वो सब भी करनी जो अभी पड़ेगी। अभी रेलेवेंस में है ना, जो अभी पर्टिकुलर रेलेवेंस में, वो तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है, सिंस मैंने बताया था ना आस्था, तो वो बताती रहती थी, हम साथ यस ही सर। में लाइब्रेरी पढ़ते थे। मैं अपना क्लैटीजी, सॉरी क्लैटीजी नहीं, मैं अपने यूजीसी नेट का पढ़ता था, वो इसका एसएसबी का, तो इसलिए मुझे पता है कि जियोपॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट यस सर। है ना। सॉरी रिशांत, मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया, नो प्रॉब्लम सर। बट हाँ मतलब जीके से तो आपको भी फायदा ही होगा रिशांत। तो बेलफोर ट्रीटी 1948 में साइन हुई थी, जिसके अंदर जो है इसराइल फॉर्म हुआ था। ओके यस सर। सर इसराइल ने तो जो पैलेस्टाइन की टेरिटरी है वो एक्वायर करी थी ना। नहीं, एक्चुअली क्या था कि ना, बेसिकली 1200 इयर्स पुरानी हिस्ट्री है। 1200 इयर्स पहले ज्यूज ज्यूज जो थे वहां पे रहते थे, फिर अरब्स ने इन्वेड किया। ओके तो लगभग 1000 साल पहले, तो उनको फिर यूरोप वगैरह जाना पड़ा। ठीक है, अब यूरोप में जो थे क्रिश्चियंस और ज्यूज जो थे, वो भी आपस में चिढ़ते हैं है ना, क्योंकि ज्यूज ने जो है जीजस क्राइस्ट के साथ बहुत जीसस ज्यादा को क्रॉस पे केयर चढ़ाया करते था। थे, या तो वो चिढ़ते हैं, तो अब वहां पर भी परसिक्यूशन होने लगा, तो अब होने लगा यूरोप में। तो अब जब 1940s के आसपास बात आ गई थी, तो ये एक पर्टिकुलर ट्रीटी साइन हुई। ब्रिटेन जो था मेन, इसमें ब्रिटेन का हाथ था, उन्होंने ट्रीटी साइन करवाई और रिलोकेट किया ज्यूज को। जैसे रुको थोड़ा नीचे कर लेता, जैसे ये मान लो ये वो एरिया, ड्रॉइंग गंदी ये वो एरिया हो गया। सो दिस इज बेसिकली गाजा स्ट्रिप, दिस इज वेस्ट बैंक। ओके एंड यहाँ पे सराउंडिंग नेशन से, जैसे इधर लेबनान हो गया, इधर से इजिप्ट वगैरह हो गया, इधर जॉर्डन वगैरह हो गया, तो ऐसे ही पूरा अरब नेशन से किसा वो है। तो यरूशलेम जो है बेसिकली ये होली प्लेस है फॉर थ्री रिलीजन्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूस। तो सिंस इनका हिस्टोरिकल यहाँ पे रहना था ज्यूस का, तो इनको यूरोप में परसिक्यूशन हो रहा था, तो इनको वर्ल्ड वॉर टू के बाद यही रिलोकेट करवाया थ्रू बेलफर ट्रीटी। और यहाँ पे सिंस अरब्स भी थे, ठीक है, ओरिजिनली तो ज्यूस का ही था, बट सिंस अरब्स भी थे, तो बोल दिया ये जो पर्टिकुलर जो था ये इनको दे दिया जाएगा, बीच में ये ज्यूज रहेंगे। ठीक है, तो एक्वायर नहीं किया था ये जो है, मतलब ज्यूस को ही मिला था, बट ये कि जैसे गाजा स्ट्रिप थी, ये इसका एरिया ज्यादा था, वेस्ट बैंक का एरिया ज्यादा था। अब क्या हुआ, सेवन फ्रंट्स पे सेवन नेशंस ने अटैक कर दिया इसराइल बेलफोर ट्रीटी के कुछ टाइम के बाद ही। अब यूजिंग देयर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, इन्होंने इन सबको डिफीट कर दिया। एंड व्हाट दे डिड इज कि रिटेलिएशन में उन्होंने ये जो पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे इतना इतना पार्ट ये जो है ले लिया, एंड फिर जितना भी अटैक्स हुए हैं रिट्रीट में थोड़ा थोड़ा इसराइल लेता गया है। ओके तो जो इनिशियल जो मिला था वो कोई एक्वायर वेक्वायर नहीं किया था इलीगल वे में, इट वाज द इसराइल वाज फाउंड बाय अ ऑफिशियल ट्रीटी व्हिच इज नेम्ड एज बेलफोर ट्रीटी। तो मेरा थोड़ा बहुत ही नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स का, जितना भी थोड़ा मैंने समझा दिया, आई होप कि मतलब सही लगा आपको इंफॉर्मेशन। यस सर, बढ़िया था। ओके थैंक यू, नाउ लेट्स सी, वापस से दूसरा केस देखते हैं।
तो नोट्स बनाना तो हम समझ ही गए थे। रुको, कोई लिंक मांग रहा है क्लास का। उससे जब मैं क्लास करता हूं तो आपको ऐप या साइट मेल पे वो तो आता ही है ना, यस सर, लिंक आता है। कोई यस सर। ना, फिर भी कोई मांग रहा है तो दे ही देते हैं। अरे यार सॉरी, थोड़ा रिकॉर्डिंग ही देखेगा जो देखेगा। तो केस डिटेल्स, ओके, उसमें पेज 2, पेज 3, ओपन इन बोर्ड। नाउ लेट्स सी। तो नोट्स हमने अब जल्दी जल्दी करेंगे इसमें हम। तो केस टाइटल क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस डॉक्टर आर आर किशोर, क्रिमिनल अपील नंबर 377 ऑफ 2007। ओके, एंड देर आर कनेक्टेड मैटर्स एज वेल, बट जो मेन बात उठी है वो इस केस में उठी है। सो अब रेशियो का देखते हैं। वंस अ लॉ इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स ऑफ इट इंफ्रिंजिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वुड बी हेल्ड टू बी अनएनफोर्सिबल राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एनेक्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज ऑब्जर्व, ओके, इन दिस केस व्हाइल होल्डिंग दैट इट्स 2014 जजमेंट डिक्लेयरिंग सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 अनकॉन्स्टिट्यूशनल विल हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, द कोर्ट सेड। ये मैंने उसमें से निकाल लिया है, सुब्रमण्यम स्वामी का एक केस था 2014 वाला, इसमें कोर्ट ने बोला था इट इज क्रिस्टल, मतलब उसको संज्ञान में रखते हुए, उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कोर्ट ने बोला इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट वंस अ लॉ इज डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग वायलेटिव ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट वुड बी हेल्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो स्टिल बॉन्ड अनएनफोर्सेबल एंड नॉन एस्ट इन व्यू ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन बाय ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट्स। दस द डिक्लेरेशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द केस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो बोला था सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस में, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा होगा, वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बारे में बात की थी उन्होंने। फिर सेक्शन 6A ऑफ डीएसपी एक्ट इज हेल्ड टू बी नॉट इन फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंसर्शन दैट इज सितंबर 11, 2003। ओके, तो 6A है, सेक्शन 6A किस चीज से आया? ये ऑब्वियसली अमेंडमेंट से आया होगा। फिर डीएसपी एक्ट जो है ये आया था 1946 का, ये एक्ट है, ठीक है, बट इसका जो ये अमेंडमेंट है 6A, ये है 2003 में। याद है महिमा, ये क्लास में एक बार डिस्कस किया था मैंने जब मैं 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2 पढ़ा रहा था। सर नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे अभी। भूल गए, कोई बात नहीं। हेलो चिरंजीव, लेट हो गए चिरंजीव। सर लेट नहीं, मैं पिछले वाले जब आप करा रहे थे उसके क्वेश्चंस में ज्वाइन किया था मैंने, अच्छा, क्वेश्चंस में कर लिया था आपने ज्वाइन? कर लिया था सर। ठीक ओके चलो, इस वाले में आप आंसर करना, ठीक है? है सर। ओके तो सेक्शन 6A, ठीक है। अब द वर्डिक्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन मंडे बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ अ बेंच, देख लेते, जस्टिसेस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय अशोका, विक्रम नाथ एंड जे के महेश्वरी। ये अपन ने नोट्स में लिख लिए नाम, सो एंड सो जैसे भी। अब बताओ रेशांग, ये इस बेंच को क्या बोलेंगे? गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कंफ्यूजन क्लियर है ना? यस सर। ओके, वापस से अच्छे से देख लो, अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, जस्टिस अभय अशोका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के महेश्वरी। ओके, सो द कोर्ट हैड रिजर्व्ड इट्स जजमेंट इन नवंबर
लास्ट ईयर आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स ओवर द पिविटल इशू दैट इज वेदर इट्स 2014 जजमेंट इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम 2014 वाला अपन ने कर लिया क्योंकि मेन इसी की बात हो रही है, इसी में 6A की बात उठी थी, ठीक है, जिसको क्लैरिफाई किया इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको भी हमने नोट कर लिया क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 6A क्लॉज 1 ऑफ द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, एक्ट का नाम लिख लिया, ओके, विच मैंडेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्विंग सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वुड रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई टू पेंडिंग केसेस, ठीक है, सो ये जो प्रोविजन है इट विल रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई टू पेंडिंग केसेस, ओके, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया बाय द वर्च्यू आर्टिकल 13 क्लॉज 2। क्यों होगा? रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन की वजह से हुआ होगा। सो दिस केस स्टेम्ड फ्रॉम एन अरेस्ट मेड अंडर द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 विदाउट प्रायर सेंक्शन, प्रॉम्प्टिंग अ लीगल चैलेंज ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 6A व्हिच मैंडेटेड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू टेक सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव इन करप्शन केसेस। द दिल्ली हाईकोर्ट रूल्ड दैट सिंस द सेंट्रल सीबीआई हैड इनिशिएटेड द इन्वेस्टिगेशन बिफोर द अरेस्ट, द एक्सेप्शन कंटेंड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6A फॉर स्पॉट अरेस्ट वुड नॉट अप्लाई। अकॉर्डिंगली द हाईकोर्ट डायरेक्टेड द एजेंसी टू सीक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल फॉर री इन्वेस्टिगेशन। दिस डिसीजन वॉज चैलेंज बाय द सीबीआई इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2007, बट वाइल द मैटर वॉज बींग हर्ड सेक्शन 6A वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सुब्रमण्यम स्वामी 2014। हाउएवर द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूलिंग टू पेंडिंग केसेस रिमेन्ड अनक्लियर, व्हिच इज व्हाई द इशू वाज रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द करंट केस। आंसरिंग द रेफरेंस द कोर्ट हैज नाउ रूल्ड दैट इट्स अर्लियर डिसीजन विल हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। ओके, सो बेसिकली इससे पहले जो पेंडिंग केसेस हैं उन पे ये अप्लाई करेगा। ओके, ये कोर्ट ने बोला, इसको हमें ध्यान में रखना है। फिर वाइल कंसिडरिंग वेदर अ पर्सन कुड बी डिफ्राइव बाई द इम्यूनिटी कन्फर्ड स्टैचुटरीली ओइंग टू रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द 2014 जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन द इम्यूनिटी ग्रांटिंग प्रोविजन, द कोर्ट हैड टू डेल्व इनटू द मीनिंग ऑफ वॉइड एंड द डिफरेंसेस बिटवीन क्लॉज 1 एंड 2 एंड ऑफ आर्टिकल 13 डीलिंग विद प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज रिस्पेक्टिवली। तो आप में से चिरंजीव आप बताओ, 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे अप्लाई होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे? सर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे नहीं चिरंजीव, आर्टिकल 13(1) इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ओके, ओके ये अप्लाई होता है। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन के? फंडामेंटल राइट्स तक के गए सर, उसके बाद के छूटे हुए थे वो कर लूंगा मैं। अच्छा, तो ये तो मैंने आर्टिकल 13 में बताया था, रिवाइज कर लेना, ठीक है। जी सर, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करता है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो लॉज थे उसमें से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी कर रहा है तो वो डोरमेंट होगा, इट विल नॉट बी कम्प्लीटली वर्ल्ड। जैसे ही वो जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है वो अमेंड हो जाता है और फिर वो जो लॉ है वो उसको वायलेट नहीं करता है, तो वापस से जो है फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। बट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद तो लेजिस्लेचर को पता ही है कि क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके बाद अगर कोई जो लॉ आता है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो वर्ड एब इनिशियो होगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वो वापस फंक्शन में आ जाए। ओके, तो द बेंच रिटेड दैट वाइल अंडर द फर्स्ट क्लॉज ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वुड सब्सिस्ट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकंसिस्टेंसी विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, एनी लॉ मेड आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज फाउंड टू बी इन कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 वुड बी अ नलिटी फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। अब देखो, जब हम ये समरी वगैरह पढ़ते हैं केसेस की, तो अगर चलो ये तो हमने क्रैश कोर्स में पढ़ रखा है आर्टिकल 13, अगर हमें नहीं पता, नहीं भी आइडिया था, तो मैं इससे समझ में आ गया क्योंकि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है ना आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का क्या सीन है। नाउ इन सपोर्ट ऑफ दिस द एनी
मेरा आवाज क्लियर है? यस सर। महेंद्र लाल जैनी, इसको हमने नोट कर लेंगे। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी नोट किया था ना, वैसे महेंद्र लाल जैनी, अलग केस 1963, इन विच इट वॉज हेल्ड दैट वॉइडनेस विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 31 सुपरवीन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्जिस्टेड एंड ऑपरेटेड फॉर सम टाइम अनलाइक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज व्हिच आर वॉइड फ्रॉम देयर इंसेप्शन एंड कैन नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एनी पर्पस। तो इसमें वही प्री कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड है पे इश्यू का बात हुआ, और ये कुछ टाइम तक चल सकते हैं या फिर ठीक हो गए तो पूरा भी फंक्शन में रह सकते हैं, डोरमेंट बट नॉट डेड, ये बात वॉइडनेस वाला इसमें हुआ। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, फिर इट ऑल्सो ड्रू स्ट्रेंथ फ्रॉम अ रिसेंट जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ बेंच हेड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एल नागेश्वर राव। बेंच हेडेड बाय कौन सा सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज? एल नागेश्वर राव। होल्डिंग दैट अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ईदर ओइंग टू अ लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और अ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट वुड बी वॉइड एब एनिशियो। ठीक है, तो इस केस में ये रिहाइड्रेट हुआ, और ये कौन से केस में बोला था? द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर्स वर्सेस सुरजा कुमार ओकाराम एंड अदर्स। ये भी हम नोट कर लेंगे, ये किसने हेड किया ये हमें समरी में पता है, ये भी हम लिख लेंगे। क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि ये पर्टिकुलर में ये सेम चीज रिहाइड्रेट की थी इस केस में, इसको हेड किसने किया था। तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, तो हमें चूज के करना होगा एल नागेश्वर राव, जस्टिस एल नागेश्वर राव। ठीक है, तो ये भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जैसे भी हमें लगता है ना जिसमें से एमसीक्यू बन सकता है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। देयरफॉर वंस सच अ लॉ इज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल द जस्टिस कॉल्ड दैट बेंच रिहाइड्रेटेड टुडे इट वुड बी हेल्ड टू बी वॉइड एब एनिशियो स्टिल बॉन्ड अनएनफोर्सिबल एंड नॉन एस्ट। ठीक है, इनको भी हम नोट कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या बोला कोर्ट ने। ठीक है, ये चार पॉइंट हमने नोट कर लिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई सरप्राइज का बात नहीं होगा। तो जिस जिस से भी हमें लगता है ये हम अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। मैं तो ये वाला समरी आपको भेजूंगा, मॉड्यूल एग्जैक्ट ऐसे नोट्स बना के भेजूंगा, बट ये एक्सरसाइज आप खुद भी करोगे क्योंकि चिरंजीव आप लेट आए, मैंने महिमा और ऋषांक को भी बताया था, क्योंकि आप खुद भी ये करोगे तो मैं उसको चेक करूंगा, प्लस मेरे मॉड्यूल है तो वो रिविजन होगा, तो हमारे सबलिमिनल माइंड में फिट हो जाएगा, तो जब एग्जाम नहीं आएगा तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कौन सा जजमेंट है और इसमें क्या क्या चीज की बात ऑलरेडी है। हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा एक्यूरेसी भी आएगा आंसरिंग में। ठीक है, नाउ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये हमने पहले ही नोट कर लिया था, ये एक्ट का नाम है इस जजमेंट में। ओके, तो यहाँ पे ये खत्म। अब हम वापस से जाते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो पहले महिमा और ऋषांग ने आंसर किया था, अब चिरंजीव आप आंसर करना। ओके, तो 1 मिनट, ओपन इन डोर, आपके पढ़ने में आ रहा हो। तो अब देखते हैं, सो वंस अ लॉ इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन ग्राउंड्स ऑफ इट इंफ्रिंजिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वुड बी हेल्ड टू बी अनएनफोर्सिबल राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एनेक्टमेंट। वॉइड ऑफ एनिशियो की, वॉइड एब एनिशियो की बात हो रही है, ये हमारा पहला इंडिकेटर हो गया। ठीक है, इंडिकेटर नंबर 1। फिर अ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज ऑब्जर्व व्हाइल होल्डिंग दैट इट्स 2014 जजमेंट डिक्लेयरिंग सेक्शन 6A ऑफ डीएसपी एक्ट 1946 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये पर्टिकुलर एक्ट का भी बात हुआ था उस जजमेंट में, इंडिकेटर नंबर 2। ठीक है, चलो मान लिया इस केस से 2 केस भी हो सकते हैं, बट 2014 जजमेंट जो था सुब्रमण्यम स्वामी वाला वो भी रेफर हुआ था, इंडिकेटर नंबर 3। ओके, अब इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट वंस अ लॉ इज डिक्लेयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग वायल, ये जो कोर्ट ने बोला एग्जैक्ट ये वो एक्सेप्ट आपका आ गया। सो मतलब कोर्ट का बताना था, कोर्ट सेड, तो कोर्ट का एग्जैक्ट वर्डिंग्स, इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट वंस अ लॉ इज डिक्लेयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग वायलेटिव ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट वुड बी हेल्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो स्टिल बॉर्न अनएनफोर्सिबल एंड नॉन एस्ट। ये एग्जैक्ट वर्ड्स, यह हमें पता है उस केस में, इंडिकेटर नंबर 4 एंड इट्स इंटरप्रिटेशन बाय ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट दस द डिक्लेरेशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द केस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। एग्जैक्ट केस का भी नाम आ गया,
इंडिकेटर नंबर 5 विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन. सेक्शन 6A ऑफ द टीएसपी एक्ट सेल टू बी नॉट इनफोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंसर्शन दैट इज सितंबर 11, 2003. ठीक है, सो द केस स्टेम फ्रॉम एन अरेस्ट मेड, ये वो पर्टिकुलर. तो हमें ऑलरेडी इंडिकेटर मिल गए, तो इन इंडिकेटर से महिमा, रिशांत, चिरंजीत, तो हमें 5 इंडिकेटर्स मिल गए. यूजुअली 3 या 4 इंडिकेटर मिलते हैं, इसमें तो 5 मिल गए. तो ये इंडिकेटर से हमें क्लियर हो गया कि कौन सा जजमेंट है ना चिरंजीव? यस सर. तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे इंडिकेटर यूज करना है, जैसे महिमा और रिशांग ने तो पहले ही देख लिया था. हेलो, यस सर. तो हम पैरास के हिसाब से नोट्स बनाएंगे, तो हम ये इंडिकेटर वाला जो ट्रिक है उसको यूज करके एग्जैक्टली पता लगा लेंगे क्या जजमेंट है, जिससे पूरा ना पढ़ने पड़े, हमारा टाइम बच जाएगा. और उस जजमेंट में हमें पॉइंट्स बताइए. ठीक है, जो तो पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमें जजमेंट याद आ गया, अब हम देखेंगे जो जो सॉल्व हो रहा है. बाकी कुछ एक या दो क्वेश्चन ही होते हैं जिसके लिए हमें पैराग्राफ देखना पड़े, उससे हम टाइम बचा सकते हैं अपना. ठीक है, सो नाउ टू विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द अफर मेंशन्ड एक्सेप्ट मोस्ट क्लोजली एडहेयर? बताओ चिरंजीव. सर, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल तो 13(2) होगा शायद. यस, बी करेक्ट. ठीक है, यस सर. जब आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो एकदम जी अपन को श्योर रहना है, वहां एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि सर, मैं उसमें डॉक्ट्राइन में कंफ्यूज था, पोस्ट वाला एक्लिप्स था या सेवरेबिलिटी था? पोस्ट वाला पोस्ट वाला इज सेवरेबिलिटी, प्री एंड वाला प्री इज एक्लिप्स. एक्लिप्स. ओके सर. एक्लिप्स में क्या होता है, दिस इज सन, ये मून है, ये अर्थ है. ठीक यस है, तो ये बीच में आ जाता है तो एक्लिप्स होता है ना. तो सर. बेसिकली ये अपना वो एक्ट है. ठीक है, ये उस एक्ट का वो है अपना, सॉरी ये मान लो फंडामेंटल राइट्स है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये अवेलेबल होता है. अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट आया एक्लिप्स बन के, ठीक है, जिसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है. तो अब इससे एक्लिप्स आ गई, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था. अब इसको, अब ये जो है फंडामेंटल राइट है ये अमेंड हो गया, उसकी वजह से इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो इस फंडामेंटल राइट पर हट गया. तो ये पर्टिकुलर चीज हट गई, अब ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट अप्लाई हो पा रहा है. ठीक है, तो एक्लिप्स हट गया, तो अब ये वापस से फंक्शन में आ गया, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, सिंस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंड हो जाए फंडामेंटल राइट कुछ हो जाए, वो वॉइड है, बेन इश्यू होता है, वो वॉइड ही रहता है. ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि चिरंजीव, जब अपन ये ऐसे जजमेंट बेस्ड स्टडी करेंगे ना, एक्सेप्ट के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से जो एग्जाम में आएंगे, तो हमारा फिर इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव मैनर में स्टडी होगा. ओके, ओके सर. फिर हमें वो जो हमने पढ़ा है जजमेंट्स रिवाइज करते हुए, तो उसमें हम एग्जाम में जो हमें याद है उस पर हमें ट्रस्ट करना है. ओके, यस सर. या अब अगला क्वेश्चन महिमा से पूछूंगा. महिमा आपसे पूछता हूँ पहले. सो इन विच जजमेंट वॉज इट डिटरमाइंड दैट अ स्टैट्यूट एनेक्टेड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू टू इधर अ लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और अ ब्रीच ऑफ एनी फंडामेंटल राइट वुड बी कंसिडर्ड वॉइड ऑफ एन इश्यू? बताओ महिमा. महिमा, आर यू देयर? चल रिशांक आप बताओ. सर, एक सेकेंड. सर, ए राइट, तो उस नोट्स बनाने का फायदा क्या हुआ समरी से, कि ये मेन केस रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट ने. अब ये जो है इसमें इन्होंने बोला नहीं कि ये जजमेंट रेफर हुआ इस एक्सेप्ट में कुछ, इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि किस कौन से जजमेंट में. तो आप मतलब कई बार हम देखते हैं ना, पेपर भी देखा होगा आपने पिछले साल का, कि एकदम से ये
मतलब क्या क्वेश्चन पूछ लिया? तो ये कुछ नहीं है, रेफर्ड, ये रेफर्ड जजमेंट है ना? ओके, तो हमें तो पता ही है, क्योंकि हम बढ़िया स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पूरे जजमेंट पढ़ने में। ओके, तो सर अब रेफर्ड जजमेंट में ऐसे केस का एग्जैक्ट नाम कैसे बता देंगे जैसे क्वेश्चन समझ, 2 में बताया है? जैसे हमने समने नहीं देखा था अभी चिरंजीव, जब मैं लेट कर रहा था ये नोट्स बनाने, ही उन्होंने तो उसमें याद करो, स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर्स वर्सेस सुरजा कुमार ओखला में अदर्स का बोला था, और बोला था द कोर्ट रेफर टू दिस जजमेंट, और एग्जैक्टली ये वाली बात उसमें लिखी हुई थी। ये ओके कोई सर, बात नहीं, मैं ये समरी में आपको दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो उसमें ऐसे ही नोट्स बनाने हैं हमको, उनको रिवाइज करना है। तो ये एकदम से ऐसे पूछ लेते हैं ना, तो ये अगर हमने उस तरीके से नहीं पढ़ा होता तो हमें लगता है यार ये एकदम से ये कौन सा जजमेंट पूछ लिया, ये तो रिसेंट जजमेंट है नहीं। पर ये क्या है, ये रिसेंट जजमेंट में रेफर्ड जजमेंट था। ओके, सर हाँ सर थोड़ा हम फास्ट क्वेश्चंस कर लें, एक्चुअली मुझे जाना था। थैंक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके यू चिरंजीव, सर। आपको समझ आ गया? यस सर। हाँ, अब बताओ व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ डीएसपी एक्ट ऑफ 1946? एस्टेब्लिशमेंट डी डी यस सर। यस, तो इसमें भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने नोट्स में ये लिख रखा होगा, है ना? नाउ व्हिच जज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बेंच फॉर द स्पेसिफाइड केस? ए डीवाईसी। यस, ये भी हम कोरम हर केस में लिखेंगे, तो हमें पता होगा हम स्मार्ट हैं। विच प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल बार्स द एप्लीकेशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज? ए राइट, ओके, लास्ट क्वेश्चन। चलो कोई ना, अभी लास्ट क्वेश्चन हो नहीं पाया था, अभी इतना ही करते हैं, ठीक है? ओके, यस सर। चलो, ये इंटरेस्टिंग लगा ना, इसको और करेंगे फिर। अच्छा सेशन था। हाँ अच्छा, मिल गया मिल गया मिल गया, जल्दी से कर लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन एनकम्पासेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट बट नॉट डेड इन टर्म्स ऑफ अ लॉ? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ट्रू। ओके, तो ऐसा सेशन अब हम सिंस आपको पसंद आया और करेंगे, ठीक है, संडेज वगैरह पे। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक टेक केयर, हैव अ नाइस, यू सर। थैंक यू।